फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज मैं आपके लिए अंडर 20 के का एक ऐसा प्रोजेक्टर लेकर आई हूं जिसकी सिर्फ पिक्चर क्वालिटी ही नहीं बल्कि ऑडियो भी लाजवाब है। वैनबो ने अपने इस नए मॉडल को पिछले मॉडल के मुकाबले बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है। कंपनी ने सिर्फ इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस ही अपग्रेड नहीं की है बल्कि कलर रिप्रोडक्शन पे भी बहुत मेटिक्यूलसली काम किया है, जिससे उनका ये फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया है। ये प्रोजेक्टर इस समय सेल में डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको 15,990 का मिल रहा है और इस प्राइस पे सच मानिए तो ये एक स्टील डील है। तो अगर आपको इस प्रोजेक्टर को खरीदना है तो आप इसे इसी सेल में खरीद लीजिए। परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है वैनबो X2 Max फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर जिसकी मार्केटिंग इंडिया में ZATCO कंपनी कर रही है और वो ही आपको इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। प्रोजेक्टर एक प्रीमियम लुकिंग बॉक्स में आता है जिसपे प्रोजेक्टर का नेम और हाइलाइट्स मेंशन की गई है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक पावर केबल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। ये IR रिमोट एक एलिगेंट अपीयरेंस के साथ आता है और इसमें आपको दूसरे बटन्स के अलावा फोकस एडजस्टमेंट, म्यूट बटन और सेटिंग्स के बटन्स भी मिल जाते हैं। जो बात मुझे थोड़ी सी खली है वो ये है कि रिमोट में इनपुट सोर्स का बटन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको अंदर सेटिंग्स में ही जाकर सोर्स चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसमें बूट ऑप्शन दिया गया है। आप जिस सोर्स पे इसे सेट कर देंगे ये प्रोजेक्टर उसी सोर्स पे स्विच ऑन होगा। प्रोजेक्टर की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी और लुक्स दोनों में ये प्रीमियम है। ये एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर है जिसे आप हैसल फ्री यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसे ट्राइपॉड और सीलिंग दोनों से माउंट किया जा सकता है। दोनों साइड दी गई जाली डिजाइन को बहुत ही सफिस्टिकेशन से बनाया गया है। दोनों साइड्स में कैविटी बनाकर 5.5 वॉट्स के दो हाईफाई स्पीकर्स फिट किए गए हैं। ऊपर के सरफेस पे सिर्फ एक राउंड शेप्ड ऑन ऑफ स्विच दिया गया है और पीछे की ओर दो HDMI पोर्ट, एक USB पोर्ट, एक AV-IN पोर्ट, एक 3.5mm हेडफोन जैक और पावर पोर्ट दी गई है। कंपनी क्लेम करती है कि जल्द ही इसमें फर्मवेयर के थ्रू एक अपडेट भेजी जाएगी जिससे इसमें ARC कैपेबिलिटी भी इंक्लूड हो जाएगी और आप इस पे 5.1 ऑडियो एंजॉय कर पाएंगे। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये प्रोजेक्टर ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के अलावा Wi-Fi 6 के साथ आता है, इसलिए ये फ्यूचर प्रूफ भी है। इसमें ब्लूटूथ इन और आउट दोनों दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि हाई लाइट ट्रांसमिशन और क्लियर इमेज के लिए इसमें 3-लेयर्ड ग्लास ऑप्टिकल लेंस को लगाया गया है जो प्रीवियस जेनरेशन से 8 times ज्यादा एनालिटिक एबिलिटी के साथ आता है। इससे प्रोजेक्टर में यूनिफॉर्म लाइट पाथ मिलता है जिससे कॉर्नर्स पे डार्कनेस नहीं आती है। ये प्रोजेक्टर एक डस्ट प्रूफ डिजाइन के साथ आता है और इस मॉडल में हीट डिसिपेशन को भी पिछले मॉडल से 32% इंक्रीज किया गया है, जिसका मतलब इस प्रोजेक्टर को आप कंटिन्यूअसली ज्यादा देर तक चला सकते हैं। ये जल्दी हीटअप नहीं होगा। ये प्रोजेक्टर फुली ऑटोमेटिक फंक्शंस के साथ आता है तो आपको इस पे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन के साथ साथ जूम फीचर भी मिल जाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर में 450 ANSI ल्यूमेंस ब्राइटनेस, 2000:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो, HDR10+ और 4K सपोर्ट के अलावा इनबिल्ट एंड्रॉइड 9.0 OS दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें एंड्रॉइड, iOS और विंडोज सभी के थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है। कंपनी कहती है कि आप इस प्रोजेक्टर से 250 इंचेस तक की स्क्रीन बना सकते हैं और इसमें लगे LED लैंप की लाइफ 50,000+ hours है। चलिए अब मैं आपको इसको सेटअप करना बताती हूँ। इस प्रोजेक्टर को सेटअप करना बहुत ही आसान है। बस आपको इस प्रोजेक्टर को ठीक उस जगह माउंट करना होगा जहाँ से ये आपकी लगाई हुई स्क्रीन को फुली फिल कर ले। बाकी सारा काम ये प्रोजेक्टर खुद कर लेता है। इसमें सारे ऑटो एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। ये प्रोजेक्शन आप 133 इंचेस की वाइट मोटोराइज्ड स्क्रीन पे देख रहे हैं और मैं इतनी बड़ी ही स्क्रीन बनाने की सलाह दूंगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो इस स्क्रीन को वहां से खरीद सकते हैं। 12 फीट की डिस्टेंस से आप इसके थ्रू 120 इंच तक की स्क्रीन बना सकते हैं। जहां तक पिक्चर क्वालिटी की बात है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2 साल पहले तक कॉस्टली बजट प्रोजेक्टर्स में जो पिक्चर क्वालिटी नहीं मिल पाती थी वो आपको इस प्रोजेक्टर में मिलेगी।
वैनबो कंपनी ने रियल सेंस में इसकी ब्राइटनेस को इनहेंस किया है। 12 वॉट के दो एलईडी लाइट्स खोलकर भी आप इसे टीचिंग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जहां तक कॉर्नर पे टेक्स्ट पढ़ते हुए ब्लर की बात है तो वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। शायद किसी एक कॉर्नर पे आपको बहुत हल्का सा 3% तक का ब्लर दिखे, लेकिन रिमोट से फोकस एडजस्ट करने के बाद उसे भी नेग्लिजिबल किया जा सकता है। इस पे आप हर तरह के कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन शानदार है, कलर बहुत वाइब्रेंट और एक्यूरेसी के करीब दिखते हैं। ज्यादा कलरफुल मूवीज इस पे बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं। हाँ, कुछ मूवीज जिसमें येलो या फिर ग्रीन कलर का फिल्टर लगाया जाता है उन्हें एक एंटीक्वेटेड लुक देने के लिए उसका परफॉर्मेंस मुझे व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा सा डल दिखा, लेकिन जब मैंने उन्हीं मूवीज को बिग व्यू की ALR स्क्रीन पे टेस्ट किया तो इन सीन्स में भी मुझे इस प्रोजेक्टर का अल्टीमेट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिला, जिसे आप अराउंड 30K के प्रोजेक्टर्स के इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इस ALR स्क्रीन पे कलर्स और कंट्रास्ट एनहांस हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई अच्छी ब्राइटनेस वाला जाइंट स्क्रीन टीवी देख रहे हो। इस प्रोजेक्टर की इमेज बहुत डिटेल्ड और शार्प होती है, जो पिक्चर को बहुत अट्रैक्टिव बना देती है, और अंधेरे के सीन्स में भी बहुत अच्छी डिटेल क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। सरप्राइजिंगली ब्लैक्स भी इस प्रोजेक्टर पे काफी डीप दिखते हैं। ये प्रोजेक्टर अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ग्रांट करता है जो आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। 60 हर्ट्ज के इस प्रोजेक्टर में मोशन ब्लर या फ्रेम ड्रॉप का भी कोई इशू नहीं इविडेंट होता है। कैमरा पैनिंग सीन्स भी स्मूथ लगते हैं, फास्ट एक्शन सीन्स में भी कोई मोशन ब्लर परेशान नहीं करता है। जहां तक प्रोजेक्टर की नॉइस की बात है तो 35 डेसिबल पे वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लगता है, जो ऑडियो के बिहाइंड ऑडिबल भी नहीं होता है। ऐसे तो ये एक एंड्रॉइड 9.0 प्रोजेक्टर है, लेकिन इसमें आपको जो एप्लीकेशंस मिलते हैं वो लाइसेंस नहीं है, इसलिए यूट्यूब को छोड़कर आपको किसी भी एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ यूट्यूब देखते हैं तो आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्टर पे अच्छी क्वालिटी में कॉन्टेंट देख पाएंगे, लेकिन अगर आपको हर एप्लीकेशन में हाई क्वालिटी कॉन्टेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको फायर टीवी स्टिक, MI टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने ये शूट 4K फायर टीवी स्टिक मैक्स के थ्रू किया है। आप देख सकते हैं कि ये एक फुल HD 60 हर्ट्ज प्रोजेक्टर है। हालांकि HDR कंटेंट इस प्रोजेक्टर पे काफी क्लियर दिखता है, लेकिन 4K टीवी स्टिक मैक्स और PS5 दोनों बताते हैं कि इसमें HDR सपोर्ट नहीं है। फाई टीवी स्टिक के थ्रू आपको हर एप्लीकेशन में फुल HD रेजोल्यूशन मिलता है और बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है। अब कई लोग यहाँ कहेंगे कि 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर प्रोजेक्टर ही बेकार है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्टर की नेटिव पिक्चर क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। 4K सपोर्ट सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक्री होती है। अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाला प्रोजेक्टर अगर किसी कंटेंट को फुल HD रेजोल्यूशन में भी प्ले कर रहा है तो वो 4K में उस कंटेंट को प्ले करने वाले दूसरे किसी इंफीरियर प्रोजेक्टर को पिक्चर क्वालिटी में बीट कर देगा। किसी भी फुल HD डिवाइस, चाहे वो TV हो या फिर प्रोजेक्टर, अगर उसमें 4K सपोर्ट दिया गया है तो वो स्क्रीन पे आपको 4K लिखा तो दिखा देगा, लेकिन कभी भी प्ले हो रहे कंटेंट का रेजोल्यूशन 1080p यानी फुल HD से ऊपर नहीं जा सकता है। इसलिए प्रोजेक्टर खरीदते समय आपको सिर्फ प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कलर रिप्रोडक्शन पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर आपको 4K रेजोल्यूशन में कंटेंट देखना है तो उसके लिए आपको नेटिव 4K प्रोजेक्टर ही लेना होगा, और अभी फिलहाल बजट कैटेगरी में कोई भी नेटिव 4K प्रोजेक्टर नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको 1.5 लाख के ऊपर की रेंज में जाना होगा। जहाँ तक USB पोर्ट के थ्रू सपोर्ट की बात है तो वहाँ भी मुझे इस प्रोजेक्टर पे 4K सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन 1080p कंटेंट्स स्मूथली बहुत बढ़िया क्वालिटी में प्ले हुए। अब आते हैं इसकी ऑडियो पे, तो वो बहुत ही बढ़िया है। लगता ही नहीं कि इसमें सिर्फ 10 वॉट्स के स्पीकर लगे हैं। बेस डायफ्राम वाले ये फुल रेंज स्पीकर्स अच्छा खासा बेस प्रोड्यूस करते हैं। डायलॉग्स में क्रिस्पनेस के साथ भारीपन भी सुनने को मिलता है। साउंड लाउड है और बिल्कुल क्लियरली ऑडिबल होती है। हॉलीवुड मूवीज या फिर फॉरेन वेब सीरीज इतनी क्लियरिटी और क्रिस्पनेस के साथ ऑडिबल होती हैं कि सबटाइटल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। म्यूजिक सुनना भी इस प्रोजेक्टर पे बहुत बढ़िया लगता है। दुर्गा मैया की कसम, अगर किसी ने मेरे भाई को छुआ तो सर धड़ से अलग कर दूंगी। We need your help. What do you know about the multiverse?
is we were never going to win the war. I hereby discharge you from duty. नॉर्मली आपको इसके साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको साउंड बार लगाना ही है तो फिलहाल आप इसकी 3.5 mm ऑडियो पोर्ट का यूज कर सकते हैं। और वैसे भी कंपनी का कहना है कि इसमें जल्द ARC सपोर्ट भी दे दिया जाएगा। अब आते हैं गेमिंग पे, तो ये प्रोजेक्टर PS5 के थ्रू HDR सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन 1080p गेम्स आप इस पे अच्छे से खेल सकते हैं। कोई स्टटरिंग या फिर लैग आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा। इसके ग्राफिक्स बढ़िया हैं, कलर्स वाइब्रेंट हैं, जिससे गेमिंग करते समय सब कुछ विजुअली अपीलिंग लगता है। इसके अलावा बेहतरीन ऑडियो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा इन्हांस कर देती है। ये प्रोजेक्टर मिररिंग सपोर्ट करता है, आप अपने फोन के कंटेंट्स को बड़ी स्क्रीन पे स्मूथली कास्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी मिररिंग दूसरे कई प्रोजेक्टर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। लेकिन ये याद रखिए कि कई एप्लीकेशंस जैसे नेटफ्लिक्स और अमेज़न अपने आप में कास्टिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप उनके कंटेंट्स को इसके थ्रू बड़ी स्क्रीन पे कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को सम अप करते मैं यही कहूंगी कि ये वैनबो कंपनी का बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर है, जो बढ़िया पिक्चर क्वालिटी और साउंड के चलते आपको एक सिनेमा लाइक फील देने में फुली केपेबल है। ओवरऑल इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस अपने पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा है, जो आपको खुश कर देगा। इसके अलावा लाइट वेट होने की वजह से ये पोर्टेबल भी है, जिसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।